मुरादाबाद जिले की कुनर की विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले सुनील कश्यप को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान भारी झटका लगा है। कमियां पाए जाने के कारण उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। अब वह चुनाव लड़ने से महरूम हो गए हैं। नामांकन पत्र खारिज होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सुनील कश्यप ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी के दबाव में उनका पर्चा जानबूझकर निरस्त किया गया है। जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे कहा कि मेरा नाम सुनील कश्यप है, मैं भारतीय का सेना संगठन से मंडल उपाध्यक्ष हूं। पर्चा बिल्कुल सही है, हमने 50 वकील खड़े करके दिखा दिए, बोले उसमें कोई ऐसी गलती नहीं है। और जबकि पर्चे में लिखा हुआ है, चुनाव आयोग के बारे में लिखा हुआ है कि रोटरी में मतलब मोहर है, तो मोहर होनी चाहिए, साइन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है। टीम साहब क्या वजह मानते हैं आप? वजह ये मानते हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि कश्यप समाज वहां से लड़ा है, क्योंकि उन्हें पता है 50,000 वोट है कश्यप समाज का। अगर कश्यप समाज अगर इलेक्शन लड़ता है तो हमारी हार हो रही है, लेकिन फिर भी हम हार तो करानी है। जब हम ये चाहते हैं 13 तारीख के बाद हम बताएंगे जो भी। तुरेहा कश्यप समाज के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या नाम आपका? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, प्रदेश प्रभारी भारतीय कश्यप सेना संगठन उत्तर प्रदेश। क्या मामला है इनका? देखिए, हमारे संगठन से प्रत्याशी थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे सुनील कश्यप जी। आपने 25 तारीख को पर्चा दाखिल किया था, लेकिन बिना कारण बताए आपका पर्चा दाखिल कर दिया। यहाँ का प्रशासन आप लोग जानते ही, सत्ता के दबाव में रहता है और बिकाऊ भी रहता है। यही कारण है कि सुनील कश्यप जी का पर्चा कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमारे समाज के कुंदर की विधानसभा पर 50,000 से अधिक से ज़्यादा वोट हैं। सत्ता के दबाव में पर्चा कैंसिल किया गया ताकि ये जो वोट है सत्ता के जो सत्ता पक्ष को मिल सके। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह खालसा, भारतीय कश्यप सेना का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमने संगठन के माध्यम से निर्दलीय पर्चा भरवाया था अपने हमारे जिला मुरादाबाद के मंडल उपाध्यक्ष हैं सुनील कश्यप जी। तो इस बार हमारे मन में बहुत खुशी थी कि जब से देश आज़ाद हुआ, देश के अंदर संविधान लागू हुआ, हमने पुंदर की विधानसभा के अंदर पहली बार 78 सालों में कश्यप समाज को खड़ा किया। मतलब चाह रहे थे हम लोग कि पहली बार एक हमारा भी कैंडिडेट खड़ा हो कश्यप समाज का। 78 सालों से हम लोग वोट देते आ रहे हैं, हमने सभी पार्टियों को वोट दिया, सभी जाति के नेता को वोट दिया, लेकिन इस बार हम चाहते थे 78 सालों में हमें भी अवसर मिले चुनाव लड़ने का, हमें भी अधिकार है, हम भी इस देश के नागरिक हैं। तो आज हमें पता लगा 28 अक्टूबर 2024 आज सभी के पर्चे क्लियर होने थे। तो अंदर मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं, 25 अक्टूबर को जब हमने पर्चा अंदर दाखिल करा तो वहाँ पर बहुत और भी थे जो निर्दलीय लड़ने आए थे, पर्चा दाखिल करने आए थे, तो कुछ लोगों के पर्चों में बहुत सारी कमियां थी, खाली पर्चे थे, तो वो मुसलमान वर्ग के लोग थे। एसटीएम संत कुमार पुआर कहते हैं कि आप साइड में बैठ जाओ, आपको तो चुनाव जरूर लड़ाऊंगा। इसका मतलब आप समझते हैं कि कुंदर की विधानसभा में जितना मुसलमान लड़ेगा उतना मुसलमान का वोट कटेगा और बीजेपी जीतेगी। इसका अरे हमारा पर्चा मतलब कोई भी कमी नहीं, पर्चा कैंसिल होने के बाद हमने 50 वकील को वो चेक कराया, किसी ने भी ये सब ने ओके कराया पर्चा, ऐसा क्या और रीजन भी तो नहीं बताया ना, रीजन भी नहीं क्लियर कर पा रहे। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा बीजेपी वालों ने हमारा पर्चा ही तो कैंसिल कराया, हमारा कुंदर की विधानसभा में वोट देने का अधिकार थोड़ी ना छीन लिया, और वो तो हम 13 तारीख को बताएंगे वोट हमें किसको देना है।